नागपूरच्या चंद्रशेखर आझाद बहुउद्देशीय संस्थेची वादग्रस्त गणेशमूर्तीला यंदाही पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. चंद्रशेखर आझाद बहुउद्देशीय संस्थेच्या गणेशमूर्ती नागपुरातील वादग्रस्त गणेश म्हणूनही ओळखली जाते. या संस्थेच्या माध्यमातून देशात सुरू असलेल्या वादविवादाला गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून लोकांसमोर दाखवण्यात आणलं जातं. गणेशोत्सवाच्या काही दिवसांनी हा वादग्रस्त गणेशजी लोकांच्या दर्शनासाठी प्रदर्शित करण्यात येते. मात्र या गणेशोत्सव मंडळावर पोलिसांची नेहमी नजर असते. आतापर्यंत अनेक प्रकरणे या वादग्रस्त गणेश मंडळावर पोलिसांनी दाखल केली आहेत. यावर्षी या मंडळाने देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर देखावा केला होता. त्यावरून यावर्षी पण पोलिसांनी देखावा व गणेश मूर्ती आपल्या ताब्यात घेतली. मेरी गणेश जी की पूरी तैयारी हो गई थी. तैयारी करने के लिए हम पूरा सब एकत्र हो गए और कार्यकर्ता वाला और क्या बोलते कुछ अपने पत्रकार फोटोग्राफर और पूरे चैनल के कुछ लोग आए थे. और उसमें सारी चीज़ें तैयारी होने के बाद में पुलिस वाले ने बीच अड़ंगणा डाल के वो पूरा जिस जगह गणेश जी था उस जगह में पूरा घेर लिया. और जो जैसे 10-15 कार्यकर्ता था उसको अड़ा दिया और अड़ा कर वहाँ पे मूर्ति को निकालने दिया नहीं दिया. और उस गणेश जी जहाँ पे रखा हुआ है आज उसको ताला लगा कर हमारा ताला निकाल कर उन लोग ने अपना ताला लगा कर रखा है जब तक करके रखा हुआ है. कि जबकि हाईकोर्ट का पूरा आदेश है ये है कि यहाँ गणेश जी बैठ सकता है करके ऐसा 2-4 दिन के अंदर में भी दिखा सकते हैं और कर सकते हैं. पर ये उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं बोलते हम एक गणेश जी जब बैठा है तो दूसरे गणेश जी का बैठाने की परमिशन नहीं देते करके उन लोग ने पूरा थमा दिया हुआ है.